दोस्तों नमस्कार, ट्रेंड्स विंड न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बॉलीवुड की मशहूर नायिका सुचित्रा सेन पर आधारित है। आइए जानते हैं उनकी कुछ लाइफ स्टोरी के बारे में। दोस्तों आपने इस गीत को तो सुना ही होगा, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, जैसे खूबसूरत गीत को भला किसने नहीं सुना। इस गीत में जान डालने वाली सुचित्रा सेन की 6 अप्रैल को जन्मतिथि है। आइए इस मौके पर आपको बॉलीवुड की दमदार खूबसूरत अदाकारा की कहानी से रूबरू करवाते हैं, जिसकी असल कहानी किसी सिनेमा से कम नहीं। यह अभिनेत्री जिनका बंगाली फिल्मों से लेकर बॉलीवुड में डंका बजता था, ऑस्कर पाने वाले निर्देशक सत्यजीत रे से लेकर राज कपूर जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए तरसते थे, लेकिन सुचित्रा वो एक्ट्रेस थी जो सिर्फ अपने असूलों पर काम करती थी, कई बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ठुकरा देती थी। एक बार तो उन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड को भी लेने से मना कर दिया। हिंदी सिनेमा की पहली पारों को देखकर दर्शकों को सांसें थम जाती थीं। उनकी सादगी और अदाकारी की खूब प्रशंसा होती है। दोस्तों आज सुचित्रा सेन हमारे बीच नहीं है। 82 साल की उम्र में कोलकाता में उन्होंने अंतिम सांस ली। 6 अप्रैल 1931 को जन्मी सुचित्रा सेन ने मुसाफिर, हॉस्पिटल, मुंबई का बाबू, ममता और आंधी जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में डंका बजाया। उनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री के सबसे पहले महानायक उत्तम कुमार के साथ खूब पसंद किया गया। सुचित्रा सेन ने अपने करियर में महज 61 फिल्में की, इनमें से बॉलीवुड में सिर्फ 6 फिल्में थीं, बल्कि सभी फिल्में बंगला की रहीं। इनमें देवदास और आंधी जैसी फिल्में उनकी सबसे ज़्यादा चर्चा में रहीं। उन्होंने अपने करियर में 25 से ज़्यादा फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया। आइए जानते सुचित्रा सेन के बचपन की कहानी। सुचित्रा सेन के पिता हेडमास्टर और माँ गृहिणी थीं। ब्राह्मण परिवार में 6 अप्रैल 1931 में उनका जन्म हुआ। परिवार से कम उम्र में बेटी की शादी करवा दी। शादी के बाद सुचित्रा सेन ने फिल्मों में कदम रखा और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। सुचित्रा सेन ने 15 साल की उम्र में दीबानाथ सेन से शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद उन्होंने बेटी मुनमुन सेन को जन्म दिया। मुनमुन सेन भी माँ की तरह एक फिल्म अभिनेत्री बनी। सुचित्रा सेन ने शादी के बाद अपने अभिनय के सपने को पूरा किया। इस सपने को पूरा करने में उनके ससुर और पति ने मदद की। इस तरह उन्होंने चित्तौर फिल्म से डेब्यू किया। पहली फिल्म में उत्तम कुमार और सुचित्रा की जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार मिला। इस जोड़ी ने पर्दे पर 20 साल राज किया। यही वजह है कि उन्होंने अपने करियर में 61 से 30 फिल्में उत्तम कुमार के साथ ही की। सुचित्रा ने अपने करियर में अलग अलग तरह की फिल्में की। वह किरदार की गंभीरता को बहुत जल्दी भांप लेती थीं और फिल्में चुनने में भी एकदम सटीक फैसला लेती थीं। यही वजह है कि इंदिरा गांधी पर बनी आंधी हो या आइकॉनिक फिल्म देवदास, हर फिल्म में वह अपने किरदार को जीवंत बना देती थीं। दोस्तों 24 जनवरी 2013 में सुचित्रा सेन को लंग इन्फेक्शन के चलते लोगों से छिपाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 1 महीने बाद 17 जनवरी 2014 में उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार के दिन सुचित्रा को देखने के लिए लाखों में भीड़ जमा एकत्रित हुई, लेकिन यहां भी कोई उनका चेहरा नहीं देख सका। दोस्तों कहते हैं कि सुचित्रा इतनी स्वाभिमानी थी कि मामूली वजह से बड़ी फिल्में ठुकरा देती थीं। सुचित्रा ने अपने हुनर से तो खूब नाम कमाया ही, लेकिन एक फिल्म फ्लॉप होते ही उन्होंने अचानक इंडस्ट्री छोड़ दी। खुद का 36 सालों तक कमरे में बंद रखा और मरते दम तक दुनिया से छिपकर गुमनामी में जिंदगी जी। हाँ तो दोस्तों हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।